भाई चलिए। संधि पीछे पड़े होंगे, संधि ऐसी होती है समास वगैरह में, एक ही चीज के दो अर्थ होते हैं, सुने कि नहीं? ऐसे समास होते हैं सब, द्वंद समास बोलते हैं ना, द्वंद समास एक ही चीज के दो अर्थ होते हैं, उसी को ना बोलते हैं जी। उसमें होता है ना एक तो सुरेश ने जहाज उड़ाया, मतलब सुरेश जहाज उड़ाया, द्वंद समास में अब बस इसका नाम चेंज करिए, अब्दुल ने जहाज उड़ाया, सब देखी है लेकिन अंतर हो जाएगा। सुरेश ने जहाज उड़ाया मतलब उड़ाया, और अब्दुल ने जहाज उड़ाया मतलब भड़काया।